नमस्कार, मैं हूं विभास यादव और आप देख रहे हैं जौनपुर कवरेज न्यूज। ओलंपिक क्वालिफायर को पछाड़कर मीरगंज के रोहित यादव ने जीता स्वर्ण पदक। ओलंपिक क्वालिफायर जेवलिन थ्रोवर शिवपाल सिंह को पछाड़कर मीरगंज का युवा जेवलिन थ्रोवर रोहित यादव ने नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। उसे स्वर्ण पदक जीतने पर गाँव में खुशी है। जौनपुर जनपद के मीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत आदारी के डभिया गाँव निवासी मैराथन धावक सभाजीत यादव का पुत्र युवा जेवलिन थ्रोवर रोहित यादव ने पटियाला में 25 से 29 जून तक खेली गई नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 77.74 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। प्रतियोगिता में ओलंपिक क्वालिफायर चंदौली के शिवपाल सिंह को पछाड़ दिया है। यहां शिवपाल को सिर्फ 77.31 मीटर ही भाला फेंक सके। तीसरे नंबर पर श्रीलंका के सुमित्र राणा सिंघे रहे जो 77.21 मीटर ही भाला फेंक सके। रोहित यादव को स्वर्ण पदक जीतने पर गांव में खुशी का माहौल है। रोहित यादव उस समय सुर्खियों में आया था जब 2015 के तुर्की में खेले गए विश्व स्कूल गेम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद वह कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक व रजत पदक जीत चुका है। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा उसे खेल दिवस पर सम्मानित भी किया जा चुका है। रोहित यादव ने दूरभाष पर बताया कि वह पटियाला में रहकर अपनी तैयारी करने में जुटा है। यह प्रतियोगिता देश के लिए नेशनल प्रतियोगिता थी पर विदेशी खिलाड़ी भी भाग ले रहे थे। वह इस बार ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाया है पर कॉमनवेल्थ गेम व एशियन गेम्स की तैयारी में जुटा हुआ है।